तो भाई जो आज का पॉडकास्ट इसमें बिफोर स्टार्टिंग हाँ. भी काफी कॉन्टरी चीजें हमें कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें डिस्कस करनी है करनीइट तो आ, मतलब माहौल क्या थोड़ा सैड है या फिर हाँ. खुशी वाला है पहले तो बताओ आई थिंक दोनों है क्योंकि आ, जो जो भी न्यूज हम आप लोगों को देने वाले हैं उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि एकदम सैड है या फिर एकदम ही बहुत खुश वाला है आई थिंक ओवरऑल

एंड हम लोग ने पहले सोचा था कि हम लोग एक लाइव स्ट्रीम करके इसको डिस्कस करेंगे स्पेशली द गुड पार्ट राइट बट फिर एकदम से एक प्रॉब्लम भी <laughs> आ गई बीच में हाँ. तो उसके से हमने सोचा कि इट इज बेस्ट की आ, हम लोग इस पॉडकास्ट की सीरीज में ही जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं आई थिंक ये हमारा कुछ सेवेंटी फिफ्थ एपिसोड है शायद राइट सेवेंटी फिफ्थ है सेवनटी फोर्थ ऐसी कुछ है तो मतलब वी आर थ्री अ सेंचुरी अचुरी एंड अगर इतने सारे एपिसोड्स हमने शूट करें एंड उसके थ्रू हम एक ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट कि हम लोग उस पॉडकास्ट के थ्रू ही ऑडियंस को एड्रेस भी करें राइट सो आई थिंक हम लोग को पूरा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए एक्जैक्टली exactly क्या ताकि सबको रीज़न समझ में आए कि hmm. क्या चल रहा है hmm. तो क्या मतलब तो, तुम सुनाना चाहते हो कहानी या फिर तो आई थिंक सबसे पहले मैं अपने उससे स्टार्ट करता हूँ एंड सी द थिंग इज कि वेरी ऑनेस्टली बहुत सिंपली मैं पुट करूँ पहले तो uh, अभी कुछ महीने तक यू गाइज वोट बी सींग मी इन दिस पॉडकास्ट <laughs> <वोौ>। <laughs> जो, <laughs> दो। जो 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 रिएक्शन दो छोड़ने वाला है वो कौन तक पता चल चुका <laughs> हाँ राइट right. सो so, अभी कुछ महीने तक यू गाइज वोंट बी सींग मी एंड इसके पीछे भी देर इज अ वेरी बिग रीजन सी मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं एंड मेरा थर्ड ईयर चल रहा है जिनको नहीं पता बी का सो so, मेरे फाइनल एग्जाम जो हैं अभी कुछ दो तीन महीने में एंड hmm. अनफॉर्चुनेटली uh, मेरे कुछ बैकलॉग्स भी हैं hmm. <laughs> तो बैकलॉग्स के लिए भी पढ़ना है रिस्क के लिए भी पढ़ना है एंड hmm. नेचुरली uh, दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस करना राइट नाउ इट डज नॉट सीम लाइक ही पॉसिबल है hmm. क्योंकि लाइक like, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मे बी आप लोगों को नहीं पता बट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि शूटिंग करके बस अपलोड कर दिया जाता है मतलब समझाते हैं ऑडियंस को राइट तो, right. क्योंकि जस्ट तुम ये बोल दो कि अगर कि बस अभी मैं दो तीन महीने के नहीं आ रहा हूँ बट क्यों नहीं है क्या रीजन है तो right. वो, लो कि एक दिन में दो मैचेस आप देख रहे हो हुँ. आपने दो मैचेस फुटबॉल के हाँ दो मैचेस फुटबॉल के मतलब क्रिकेट चल रहा भाई सात आठ घंटे मैं अभी फुटबॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेनली फुटबॉल पे फोकस करता हूँ तो मान लो दो मैचेस हैं तो तुम लोगों ने रफली अराउंड चार घंटे तुमने मैचेस देखे देन रात को यूजुअली uh, आपको पता है फुटबॉल मैचेस कितने लेट होते हैं तो ढाई तीन बजे मान लो शूटिंग हुई हाँ। शूटिंग हुई अब उसमें लेगा अराउंड टू टू एंड हाफ आवर्स अब बज गया साढ़े पाँच <laughs> मतलब ऐसे समझ लो कि डेढ़ घंटे का तो पॉडकास्ट ही होता है हाँ एवरेज वी ऑल्सो हैव टू शूट रील्स हाँ। तो उसमें भी आधा आधा पौना घंटा लग जाता है और ये जो

हमें ये पूरा अपना शूटिंग वाला वाला काम करने, करने में एंड देन स्टार्ट एडिटिंग न पॉडकास्ट की एडिटिंग होती है एंड रील्स की एडिटिंग होती है रील्स की भी ओवर नाइट ही एडिट करनी होती है क्योंकि फिर दोपहर में जिनको नहीं पता भाई शॉर्ट्स हम लोग डालते हैं एक बजे हर हाँ। दोपहर में जिस भी दिन पॉडकास्ट आने वाला होता है सो so, उसकी शूटिंग उसकी उसकी शूटिंग होती है उसकी एडिटिंग होती है देन वो चीज़ अपलोड की जाती है एंड uh, फिर साइड बाई साइड पॉडकास्ट की भी एडिटिंग होती है hmm. वो रात को जाता है फिर पॉडकास्ट सो नेचुरली फिर कॉलेज भी जाना होता है अक्सल कॉलेज भी रेगुलरली जाना पड़ रहा है मुझे एंड फिर पढ़ाई भी अलग से करनी पड़ रही है hmm. तो ऑल लाइक ऑल ऑफ दिस राइट नो आई डोंट थिंक लाइक आई कैन हैंडल सब कुछ साथ में फॉर दैट रीजन्स एंड ओनली दैट रीजन्स मैं अभी uh, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ इस चीज़ से hmm. So, ये ये अब है है uh, आई <laughs> <laughs> हाँ। हाँ। तो भाई जिसको जो बोलना पॉडकास्ट में लिखना <laughs> याद से तो मतलब बेसिकली हाँ। क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस कर तीन घंटे की शूटिंग हो गई आई थिंक क्योंकि तुम तो अभी रील्स पे ज्यादा एडिटिंग कर रहे हो उससे भी I think, एक रील पे दो घंटे तो दो घंटे दो ढाई घंटे एंड उससे पहले ऑडियो को भी क्लीन अप करना होता है ऑडियो फाइल ऑडियो एडिटिंग भी होती है हाँ राइट ऑडियो एडिटिंग भी होती है और uh, मतलब दो रीज हो गए तो पाँच घंटे ही हो गए ऑलमोस्ट फिर मैचेस देखना चार घंटे वो नौ घंटे ये फिर तीन right. घंटे का शूटिंग और सेटअप हाँ, बारह घंटे एंड uh, जिस दिन मैचेस नहीं होते आई वुड से इट इज इवन हार्डर मे बी

जस्ट टूट हाँ मतलब एक पॉडकास्ट एंड साथ की जो दो रील होती है वो एक दिन कॉन्टेंट मारने में हम लोग को अराउंडीन टू ट्वेंटी एंड थैंकफुल हम लोग दो लोग हैं तो वो डिवाइड होके मतलब वो थोड़ा ज्यादा काम कर लेगा जो कम hmm. फ्री है थोड़ा कम कर लेगा लेकिन एवरेज ले तो दस घंटे तो है ही राइट एंड दिस इज जस्ट द वॉक दैट कीप्स यूर फ्लोट मतलब में जो हमने कमिटमेंट hmm. oh. दे रखी है वो करने है oh. फिर आगे क्या स्ट्रेटेजीज़ करनी है right. जो वीडियोस चल रही है उसमें क्या एनालाइज करना है एक थोड़ी सी एक स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ता है फॉर सम रीजन क्योंकि इट इज हाईली अनलाइकली कि आप कोई भी डे मिस नहीं करोगे फॉर सम रीजन ऑन दी अदर यूल है जो भी हमने कमिटमेंट दे रखी है कि इस, इस दिन ये चीजें आएंगी hmm.

बट हमारा हमेशा से रहा है हम उस सेगमेंट में नहीं जाना चाहते विच इज वायर हम लोग एक डिटेल्ड पॉडकास्ट भी बनाते हैं एंड वी कमिट टू पर्टिकुलर डेज जैसे कि अभी जिनको नहीं पता है मंडे और फ्राइडे को mm -hmm. रात को नौ बजे um, मतलब ये विदाउट फेल आएगा ही आएगा mm -hmm. तो वेन वी नो कि हमें रात के नौ बजे मंडे वे फ्राइडे को डालना ही है पॉडकास्ट तो फिर सब बाहर में जाता है फिर कि भाई आ, नींद आ, आ रही है कोई बात नहीं भाई करना है एडिट तो करना, तो करना गई, हाँ। शूट करना है तो करना है एंड उसमें कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा सो वी जैसे हमने कई सारे वो टाइमलेस टॉपिक्स करते हैं आईपीएल के रिलेटेड हमने करे हैं फुटबॉल में पुराने लेजेंड्स के ऊपर करे हैं क्रिकेट में करते रहते हैं तो इनफैक्ट अभी जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट है वो भी अनपॉपुलर ओपिनियम आई पी एल का ही है तो ऐसे कई सारी वीडियो हमने पहले भी शूट करके रख लेते हैं सो देट अगर हमारी तबीयत भी खराब हो या कुछ हो तो वो कमिटमेंट खराब नहीं होना चाहिए मतलब तो वो अगर वेंसडे को मेरी तबियत खराब है उसके वजह से मोहित भी शूटिंग नहीं कर पा रहा तो ये नहीं कि चैनल सफर करेगा हाँ। वेंसडे को पॉडकास्ट हो जाएगा सो so, वो कमिटमेंट को केटर करने के लिए फिर मोहित को भी पूरे तरीके से अवेलेबल होना पड़ेगा और अभी वो हो नहीं सकता राइट और और कितने घंटे तुम तुमने दो बताए थे मेरे को कि क्यों नहीं ये हाँ, so, एक तो ये था obviously, podcast वाले सेक्शन में क्योंकि like, people will obviously say कि आप editing कहीं और से करा लो हाँ, या का बट सी कि पॉडकास्ट शूट करने में इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि चलो आपने घंटे दे दिया एज ए सेट की वो मैचेस भी आपको रेगुलरली देखने पड़ते हैं एंड सिंस uh, अभी मेरा पॉडकास्ट में बोलने के लिए

तो फिर देट रीज़न एंड मतलब बेसिकली वही मैंने कहा ना कि वो तीन घंटे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो बट उसके पीछे तीन घंटे रिकॉर्ड करने के लिए जो आपको काम करना है हाँ, उससे पहले का आई थिंक वो दोनों मिला के जितना जितना भी बनेगा पाँच छः घंटे का काम आई थिंक वो पढ़ाई के साथ इस टाइम पे आ, साथ में चीज नहीं हो सकती कुछ टाइम तक अगेन जब तक ये एग्जाम्स खत्म नहीं होते मेरे तो फॉर दैट रीजन आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है इस टाइम पे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना फॉर मी बट ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है अभी आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा तो उस लगेगा कि भाई ये तो चैनल ख़त्म हो रहा है क्या बट <laughs> नहीं चैनल ख़त्म ऐसा नहीं हो रहा आई वॉन्ट टू मेक दैट वेरी क्लियर एंड वही जो भी पॉडकास्ट आने वाली है इनफैक्ट अभी जो हम आगे थोड़े ब्राइटर नोट पे जाके hmm. और जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं हाँ. वो आपको शायद और अच्छा शायद ओवरवेलम करे उस चीज़ को शायद और अच्छा लगे आपको सुन के मतलब यूजुअली ये न्यूज सुन के लग रहा हो कि अगर दो में से एक बंदा जा रहा है तो कंटेंट कम होना चाहिए डाउन जा रहा है <laughs> <laughs> बट थोड़ा उल्टा हो रहा है राइट सो आई रहे right. so, कि, तो कि चैनल बंद नहीं हो रहा है इनफैक्ट hmm. जो इस चैनल पे जो मंडे वे फ्राइडे का रात का नौ बजे का कमिटमेंट है वो अभी भी चलता रहेगा राइट एंड अभी मैं अब अब तुम कब कब वापस आने वालों ये बता दो

तो वो भी बड़ा अच्छा होगा देखने में मतलब वी कैन यू बैक रील्स शूट करता रहेगा तो वो हम लोग को जो हम दोपहर में डालते हैं इस चैनल पे एक बजे एंड इंस्टाग्राम पे तो रोज ही हाँ। आते हैं तो इंस्टाग्राम हाँ। पे रोज दिखता रहेगा मोहित बट पॉडकास्ट में अभी ये मार्च है अप्रैल में तीन महीने अप्रोक्स हाँ hmm. राइट right. तीन महीने अब ऐसे अगर तीन भी महीने हैं hmm. तो तीन महीने के अंदर हमारा हंड्रेड एपिसोड भी तो हो जाएगा हाँ तो उसमें गया। नहीं होगा <laughs> भाई साहब देखना पड़ेगा बट uh, भाई होता है भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है <laughs> <laughs> अगर पास होना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बट आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्राइटर सेक्शन डू वी हैव एनिथिंग एल्स टू कवर इन दिस हमने सब डिटेल में डिस्कसारी हाँ, जितनी चीजें थी बता दी गई कब, कब तुम जा रहे हो कब आने वाले हो हाँ, हाँ, ये नहीं बताया मैंने की हाँ एज ए से मंडे वे फ्राइडे नौ बजे रात को आते रहेंगे पॉडकास्ट अब मैं सोलो पॉडकास्टिंग करने वालू कुछ टाइम के लिए हाँ। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल मतलब मैंने तो कभी सोलो पॉडकास्टिंग तो नहीं करी है आई थिंक सोलो जो नॉर्मल वीडियो आठ से दस मिनट वाली शूट करना

बट uh, मजा आएगा मतलब कुछ नए कैमरा एंगल्स होंगे मे बी वी गो बैक टू दिस वॉल जहां पर हम लोग अपना हुक शूट करते हैं hmm. हर पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एंड uh, देखेंगे भाई अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे अगले के दो तीन महीने में काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है राइट right. क्या हम लोग अभी हम लोग कौन सी टीम्स कवर जो कर रहे थे लाइक राइट नाउ वी टू कवर क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम पूरी कवर hmm. करते हैं हम लोग हर मैच जो भी हर फॉर्मेट का होता है हाँ। उससे रिलेटेड जो भी कोई न्यूज आती उसको है उसको कवर करते हैं एंड फुटबॉल में आई एम अ अबारसा फैन यू आर अ मर्डेड फैन तो वो तो हम कवर करते ही हैं एंड सिंस वी स्टार्टेड पॉडकास्टिंग सिंस वी शिफ्टेड टू दी लॉन्गर वीडियोज तब से हमने मैन सिटी और मैन यूनाइटेड को भी, भी कवर करना है। शुरू करा राइट एक तो लोग कई बार सोच रहे हैं कि हमने यूनाइटेड और सिटी को ही क्यों चूज करा जब चेल्सी भी है लिवरपूल भी है हाँ। टोटनम भी है मतलब टोटनम तो क्या ही बट बड़ी टीम्स हैं और तो डिड वी चूज टू ये बताओ सबको आई थिंक इसमें भी दो रीजन आते हैं ऑब्वियसली एक कनेक्शन uh, होता है आई थिंक ऑब्वियसली यूनाइटेड और मडेड फैंस का कनेक्शन है दैट इज थ्रू रोनाल्डो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे लिए तो रोनाल्डो ही है कनेक्शन बाकी अगर कुछ लोग छुपाने के लिए बोलते ना कि नहीं यार हम तो वैसे भी यूनाइटेड फैन लेकिन मैं, मैं रियल फैन भी था यार हमेशा या तो जो कुछ एग्जैक्टली प्रॉपर प्योरिस्ट होंगे हाँ। मे बी उनका कुछ अलग रीजन ऐसे कितने प्योरिस्ट है हमारी जनरेशन में जो कि इंडियन है I think हमारी जनरेशन में तो मुश्किल है हाँ but हाँ मतलब इससे मतलब मतलब दूसरों <laughs> के बोलूँ बट फॉर मी आई थिंक मेरे लिए तो एक जो लिंक रहा है वो रोनाल्डो ही रहा है एंड दैट इज वाई मैंने मर्डर्ड फॉलो किया था फिर यूवेंटस में भी उसका स्टेंट फॉलो किया था मैन यूनाइटेड में भी फॉलो किया एंड फिर अल्नासर में भी थोड़ा बहुत तो कर रहा हूँ मैं

तो नेचुरली इट बी पॉसिबल टू कवर ऑल टीम्स सो कि कौन सी टीम कवर करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए एंड अगेन जितने भी हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी लाइक इफ यू कैन गिव सजेशन कि कौन सी टीम कवर करनी चाहिए एक्चुअली में सो ऑब्वियसली तो like, बारसा तो, बार तो हो गई होगा ही होगा हम दोनों का मेन वही रहा हमेशा से यूनाइटेड hmm. को uh, तो, तो कर ही सकते हैं जब भी मन करे राइट right. पॉइंट वही है यार कि uh, जैसे वही है ना कि अलॉट ऑफ पीपल वो भी वैसे वीडियो शूट करके तुरंत डाल सकते हैं hmm. तो बिकॉज नाउ आई एम गोइंग सोलो फॉर अ फ्यू मंथ्स तो मेरे पास जो ऑप्शन है हम लोग वो सोच भी रहे थे कि बेसिकली जैसे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स जो करते हैं कि लाइक like, एक शॉट में पूरा शूट करके एंड मे बी वी कैन पोज दैट ऑल्सो बट देन वी केम टू कंक्लूजन कि मतलब इफ़ यू पहली वीडियो देख लो हमारी चैनल की और अभी भी hmm. देख लो तो क्वालिटी दिजल तो अभी भी, जो, मतलब जो भी अभी दिख रहा है आपको जैसा भी है तो मैं तो थोड़ा मतलब यहाँ पे एरो आई गिवॉट ऑफ फॉर वी आर बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट चाहे वो सेटअप हो वो कैमरा क्वालिटी हो ऑडियो हो राइट द वे वी स्पीक Uh, क्या चीज़ें एग्जैक्टली बोल रहे हैं कितना इनरिचिंग है उसमें क्या डेप्थ है तो हम लोग उस चीज पे हमेशा से फोकस करते हुए और उसका एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट क्या है कि अगर आप क्वालिटी पे फोकस करोगे तो वो पोस्टिंग का टाइम डील होता रहेगा hmm. कि मान लो मैच रात को चार बजे खत्म हुआ है तो इवन वी कैन डू कि हम लोग सुबह आठ बजे तक वीडियो डाल दें hmm. बट uh, हमारी हसल थोड़ी अलग है hmm. हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहे थोड़ा लेट लेके आए बट दैट इज हाव वी वॉन्ट टू गो बोथ इट दैट इज हावी ऑलवेज वॉटेड टू गो बोथ इट सो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट टेम्पलेट एंड सोलो पॉडकास्ट भी इसीलिए हम लोग सोचे मतलब मैं सोचा था पर्सनली कि हम लोग जल्दी भी डाल सकते हैं चाहे तो टाइमिंग चेंज कर सकते हैं बट आई एम गो ना स्टिक टू द नाइन पी एम स्लॉट ऑन मंडे वेंज एंड फ्राइडेज उसी में विल कीप कवरिंग मैचेस कीप शेयरिंग कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डीप ओपिनियंस ऑन डिफरेंट स्पोर्टिंग एस्पेक्ट्स डिफरेंट प्लेयर्स वो तो हम करते आ ही रहे हैं अभी से तो बाकी हाँ भाई मोहत रील में आता रहेगा ठीक है।, <laughs> तो है तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया राइट द इफ यू कॉल इट अ पार्ट ऑफ देंट कि कौन अभी छोड़ के जा रहे हैं टाइम के लिए hmm. ब्रो अच्छा नहीं वो स्पोर्ट्स तो <laughs> ब्रो स्पोर्ट के बट नाउ लेट्स मूव टू द गुड पार्ट राइट क्योंकि नेचुरली वही एज ए सेट बिफोर लोगों को लग रहा होगा कि कम होगा क्योंकि एक बंदे का एफर्ट जा रहा है तो कॉन्टेंट कम करना पड़ेगा तो इस चैनल पे तो कंटेंट उतना ही रहेगा बट वी आर आल्सो एंड दैट इज द गुड न्यूज वी आर लॉन्चिंग पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एज वेल राइट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे आई थिंक दस एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके होंगे स्पॉटिफाई पे तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि द फटाफट स्पॉटिफाई पे जाओ वहां पे भी सपोर्ट दिखाओ भाई सब लोग बट आई आई कैन डू मे बी पुट द लिंक फॉर द स्पॉटिफाई चैनल इन द कॉमेंट्स डिस्क्रिप्शन में तो डाला ही हुआ है बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लिसनर्स ऑल्सो मैं कॉमेंट्स में डाल दूंगा तो वहाँ पर जाके रेटिंग दे दो अच्छी सी एंड वहाँ पर ही फॉलो वॉलो कर लो स्पॉटिफाई पर भी अब हर पॉडकास्ट आया करेगा राइट रेगुलरली सो दैट वॉज मतलब ये हम लोग कई महीनों से सोच रहे थे हाँ कि जब से हमने पॉडकास्टिंग शुरू करी थी कि इसको हम लोग बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी लेके जा सकते हैं सो फाइनली अब वो टाइम आ गया कि स्पॉटिफाई पे लाया जाए

To cater to them as well. क्योंकि हम ने जब भी चैनल शुरू किया था तब हम पहले भी छोटी वीडियोज़ डाल हाँ right. तो हमने सोचा है कि अपने पॉडकास्ट में से क्लिप्स निकाल निकाल के फॉर एग्जाम्पल हमारे एक पॉडकास्ट में क्रिकेट की बातें होती हैं अलग अलग फुटबॉल टीम्स की बातें होती हैं सो स्पेसिफिक टीम या फिर स्पेसिफिक मैच या फिर hmm. एक स्पेसिफिक टॉपिक राइट उसके क्लिप्स निकाल के वी कैन मिनट की हों एंड वो उस चैनल पे आ जाया करेगा एंड काफ़ी सारी क्लिप्स हम लोग उस पर डाल सकते हैं फायदा ये बिकॉज इस चैनल पे वी वांट टू मेंटेन दैट डेकोरम की किस दिन कितने बजे के आने वाले बट दैट चैनल वी कैन फ्लड विद कॉन्टेंट

<laughs> तो ये जो न्यूज अभी हम बता रहे हैं ये मोहित की न्यूज से पहले की आए गया हाँ उससे पहले का राइट फिर मोहित ने डिसीजन बाद में लिया बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स इजियर फॉर ऑल द व्यूअर्स इन द सेंस की जब आप उस चैनल पे जाओगे तो यू विल हैव स्पेसिफिक क्लिप्स टाइटल देख के आप समझ जाओगे किस चीज की बात होने वाली है एंड नेचुरली आपको जो चीज पसंद है लाइक आई नो वेरी वेल नो कि बहुत मतलब हमारे हमारे चैनल में तो शायद जो ऑडियंस है वो तब भी ऐसी है बट इन जनरल इतनी ऐसी ऑडियंस है नहीं जो कि क्रिकेट फुटबॉल दोनों लगातार हर चीज़ सब पे ध्यान रखती है hmm. तो नेचुरली आपको जो भी लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट यू गज टू वॉच पूरी पॉडकास्ट आपको हर चीज के बारे में जानना होगा hmm. तो नेचुरली आपको जिस टॉपिक के बारे में जानना है जिस मैच के बारे में जानना है जिस चीज के बारे में जानना है दिस विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू कि आप जा सकते हो और डायरेक्टली उस चीज पर क्लिक कर सकते हो जिसके बारे में आपको जानना है हम लोग वैसे तो कायदेस्ट तो हम लोग टाइम्स टाइम्स भी प्रोवाइड करते हैं हर पॉडकास्ट में एंड उससे आपको देख के आप समझ सकते हो उस चीज़ को भी बट जस्ट आई थिंक दिस विल्स मोर क्लियर और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए वो चीज़ समझना और ये जरूर है कि जब आप वो क्लिप देखेंगे तो यू गेट टू नो द टॉपिक इन शॉर्ट पांच छः मिनट में बट ऑफकोर्स अगर आपको वो डिटेल में जानना हाँ. है परसपेक्टिव चाहिए अलग अलग उसपे हर एंगल से समझना है क्योंकि कई क्यों बार ऐसी टेंडेंसी होती है ना कि मैंने इंटरनेट पे एक चीज देखी फिर उन्होंने दो, बोल दिया एंड फिर उल्ट से पता चला अच्छा सच्चाई तो कुछ <laughs> फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं राइट एंड देन यू आर फ्लैट ओपन सो टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक इन डिटेल अपने दिमाग की भी प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी हो ये लोग कहेंगे कि भाई दिमाग से क्या रिलेशन है इसका बट आई थिंक जनवली होता है इन द सेंस की द वे यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग हेल्प्स यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी थिंग इन योर लाइफ तो अगर हम एक चीज़ पर दिमाग लगा सकते हो अलग अलग एंगल से तो फिर आप हर चीज़ पर लगा सकते हो सो so, थोड़ा मतलब बट मैं तो ये कहूंगा कि टू गेट टू नो अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन अ क्विक टाइम गो टू द क्लिप्स चैनल एंड देन इफ यू लाइक अ टॉपिक देर एंड यू टू गो वेरी डीप इन टू इट तो हमारे पॉडकास्ट तो आप देखते आइए रहो उसमें तो हम ना, हमारा ड्यूटी हमारा काम ही वही है कि हम हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज वाई वी टेक वन आर थर्टी मिनट एपिसोड डेढ़ घंटा लगा के करते हैं बात तो अच्छे से डिटेल में सो क्लिप्स का चैनल तो भाई आई थिंक वो भी मैं अभी वो ऊपर कार्ड्स में भी आ सकता है थिंक आई विल ट्राई टू पुट इट इन दी कार्ड्स अब एंड वो भी मैं कॉमेंट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो. राइट तो अभी भी अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर दो वहाँ पे भी बाय द टाइम यू विल भी वॉचिंग दिस आई एम श्योर की एटलीस्ट दो तीन क्लिप्स तो हम डाल चुके होंगे आई विल स्कड्यूल दिम राइट नो एज वी आर शूटिंग तो शो सम लव दर इज वेल एंड

आई थिंक न्यूज से पहले एक और चीज हमें डिस्कस करनी है एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस लाइक ब्रो स्पोर्ट्स विच इज की विल ट्राई एंड हम लोग एक गेस्ट के साथ पॉडकास्ट शूट करने का ट्राई करेंगे विल ट्राई टू गेस्ट चाहे वो, नहीं इसलिए <laughs> चाहे मतलब हम लोग कॉन्टेंट क्रिएटर्स ले या फिर लाइक like, जो एक्चुअली प्रोफेशनल्स हैं विल ट्राई टू प्रोफेशनल एंड ट्राई टू मेक पॉडकास्ट विद दम एंड वो भी अगेन ऐसे टाइप की होगी लंबी लंबी पॉडकास्ट घंटे भर के पॉडकास्ट जिससे आपको डिटेल में चीजें जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में पता चलेगा अगेन इट इज गोइंग टू एड परस्पेक्टिव एंड काफी एक प्रोफेसल पर भी एड हो सकता है उससे विच इज इन कर आपके लिए भी अच्छा होगा वो चीज सुनने का तो अगेन दिस इज समिंग न्यू दैट लाइक इट है

एक भी अनाउंसमेंट थी वो थी कि मोहित छोटा राइट आई थिंक बिफोर वी ऑल्सो वी गो टू द न्यूज़ क्योंकि अगेन भाई <laughs> जैसे हमने कहा था कमिटमेंट पूरी है तो इस पॉडकास्ट में भी हम बताएंगे आपको क्या क्या चीजें हो रही हैं एंड विल डिस्कस की क्या क्या एग्जैक्टली exactly चल रहा है फुटबॉल क्रिकेट दोनों में बट बिफोर दैट आई थिंक अगेन थोड़ा शेमलेस हो हैव टू आस्क यू गाइस कि भाई आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा बोथ ऑफ दिसल स्पोटीफाई पे लाइक ट्राई यू कैन ट्राई एंड स्प्रेड स्प्रेड द द वर्ड अपने फ्रेंड्स के साथ एंड hmm. शेयर uh, कर सकते हो तो आप लो लोग पॉडकास्ट जिन लोगों ने अगेन सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोग सब्सक्राइब कर दो hmm. बेल आइकन भी दबा दो क्योंकि वैसे तो हमने आपको बता दिया कि मंडे वेजडे फ्राइडे पॉडकास्ट आता है बट अगेन इट जस्ट हेल्प्स यू कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है वो कर सकते हैं एंड कमेंट्स में लाइक like, जो जो अभी तक तो कमेंट करके आते हैं करके करते आ रहे हैं दे नो कि हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई करते रहते हैं hmm. तो वॉट एवर यू कॉमेंट हम लोग देखते हैं उस चीज़ को पहली बात तो सो अगेन जो भी आप कॉमेंट करोगे हम लोग आपका पर्स्पेक्टिव भी समझेंगे तो लाइक लाइक वी आई रिक्वेस्ट टू ऑल की आप लोग भी अपना कॉमेंट्स करके अपने ओपिनियंस डालते रहो hmm. क्योंकि अगर हम लोग कह रहे हैं पॉडकास्ट इज अ कॉन्वर्सेशन तो ऑब्वियसली इट इज अ टू वे कॉन्वर्सेशन अगर आप लोग भी कॉमेंट करके बताओगे अपने ओपिनियंस तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प अस एंड मे बी हमें भी कुछ नया परसपेक्ट मिले तो हमें भी सीखने को मिलेगा इट्स नॉट लाइक कि हम ही आपको हम कुछ सिखा रहे हैं हम कुछ hmm. पढ़ा रहे हैं आप लोगों को तो अगर आप भी कुछ बोलोगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प अस ऑल्सो बट आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज एंड फुटबॉल क्रिकेट की बात करते हैं right. राइट I think पहले फुटबॉल से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास तीन टॉपिक है बेसिकली एंड तीनों रियाल मड से रिलेटेड हैं फर्स्ट इज गोइंग टू बी अबाउट अभी अभी और मानो ने एक दो दिन पहले ये चीज बता दिया hmm. कि डेविस से कुछ कॉन्टैक्ट हो चुके हैं आई थिंक मेरे को दिमाग में ये चीज थी नहीं कि डेविस एक्चुअली में आ जाएगा

बट की मर्डर्ड सोच रही है कि फ्यूचर लेफ्ट बैक हमारा ये होगा डेविज होगा एक पे भी था एंड हाँ। मेरा आइडियल जो था वो यही था बट आई थिंक डेविज का है तो, honestly, अगर आने वाला है, इसके चलते बायन के सीओ ने भी ये चीज कॉमेंट मतलब मीडिया में आके चीज़ बोली है कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आपका जो प्लेयर है वो फ्री ट्रांसफर में जाए तो आई थिंक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेवीज विल कॉस्ट अराउंड फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिलियन मे बी फिफ्टी मिलियन मिलियन इज रीजनेबल वेरी वेरी रीजनेबल आई थिंक काफी आई थिंक मेनी पीपल आर शुड आई से बिकॉज कई लोगों का ये मानना है कि उसका ये सीजन में काफी डिप आया ये सीजन में मे बी इज नॉट वर्थ द बिग टैग मनी That I थिंक आई अग्री विद इट कि उसका सीजन अच्छा नहीं जा रहा इनफैक्ट आई थिंक उसका लास्ट सीजन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं गया था जब से वो सैक हुआ अपना हांसी फ्लिक हुँ. उसके बाद से जो जो नए नए मैनेजर्स आए हैं इट हैज नॉट बीन एन आइडियल सीजन फॉर हिम जैसा वो था अपवर्ड ट्राइजेक्ट्री पे एकदम उसी ट्राइजेक्ट्री पे नहीं रहा है हुँ. थोड़े अप्स एंड डाउन you you mean to say कि managers के वजह से वो changes आ, I think so मतलब that could be said for every band almost। कि मैं गोरेट्स का कि

जिसका स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था फिर एकदम ही डिप कर तो रहा है हटने पे। वाला है वो जाने वाला है मोस्टली डोंट यू थिंक मैनडिट कैन आल्सो गो फॉर डिलिक्ट पॉसिबली आई थिंक जा सकते हैं बट थोड़ा पैसे का सीन होगा क्योंकि अभी हम लोग वो ला रहे हैं अपना एम्बापे ला रहे हैं hmm. एंड्रिक भी आने वाला है वो भी साइन हो चुका है एम्बापे अभी आ हां अभी करना डिस्कस एम्बापे एंड्रिक एंड डेविस आई थिंक इस टाइम पे इतने लोग आ रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी एन आइडियल समर विंडो फॉर अस इफ यू गेट अ चॉइस बिटवीन डेविस एंड

प्रायोरिटी साइनिंग है तो इस टाइम पे डेवीज होनी चाहिए एंड आई थिंक मडर जाएगी भी उसी डायरेक्शन में तो वी कैन एक्चुअली होप कि भाई डेवीज आ जाए ना इसी के चलते जस्ट थिंकिंग की टीम कैसी होगी hmm. तो अगर हम लोग हर पोजिशन को भी देखें ना अब सिर्फ कारवाहल की पोजिशन है जो कि हमें चेंज करनी है बाकी हर पोजिशन हम लोग नया right. बंदा ले आया right. और क्वालिटी रिप्लेसमेंट hmm. तो अगेन भाई जस्ट गोज ऑन टू तो शो कि फ्लोरेंटिनो पेरेस की जो भी प्लानिंग थी इट हैज़ वर्कड वेरी वेल एंड yeah. जितने भी सुपर स्टार्स है आई थिंक अभी कारवाह हाल का मे बी एक और सीजन चल जाए क्योंकि दिस सीजन बीन गुड इन इन पैचेस हाँ अच्छा रहा है तो आई थिंक मे बी अगला सीजन हमें और निकालना पड़े mm -hmm. उसके साथ देन उसके बाद हम लोग उसका भी रिप्लेसमेंट देखेंगे बट एज ऑफ नाउ अगर डेवीज आ रहा है mm -hmm. लास्टली मैं ये बात करूंगा इसके बारे में कि हमारे पास दो प्लेयर्स हैं इस टाइम पे मेंडी और अपना फ्रान गार्सिया इनका क्या होगा आई थिंक इस टाइम पे फ्रान गार्सिया माइट नॉट वॉन्ट टू बी अ थर्ड लेफ्ट बैक ऑप्शन गलत गलतमेंट हो तेईस चौबीस साल का है आई थिंक मे बी मर्डर लोन कर दे उसे hmm. या फिर किसी और क्लब को बेचना पड़ जाए अल्टीमेटली अगेन वट एवर वी शुड बी फेयर टू हिम एंड अभी काफी यंग इट्स नॉट लाइक हमें वेस्ट करने की जरूरत है उसको तो वॉट एवरस अगर वो लोन पे जाता है या अल्टीमेटली बेच देते हैं आई थिंक इट इज गोइंग टू बे गुड डिसीजन मेंडी एज अ सेकेंड लेफ्ट बैक आई थिंक इट इज अ लाइक क्वालिटी चॉइस अगर मेंडी आपका ऑफ द बेंच आ रहा है हाँ. बट डेवीज आता है तो भाई इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड डील फॉर एस बट नाउ मूविंग ऑन एज एड की नहीं होना hmm. तो ट्विटर पे, hmm. सब लोग चढ़ रखे हैं इस टाइम पे एंड रियालोटी पे एंड आरधा गुलर पे hmm. कि क्यों? इसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है एंड आरधा गुलर पे तो इतने डिग्स ले रहे हैं बारसा फैंस कि हाँ भाई कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल गए उसके से तुम मड्रिड uh, चले गए बेंच पे सड़ो क्योंकि बीच में आई थिंक एक दो सोर्सेज ने ऐसा रिपोर्ट करा था कि अगले सीजन की स्टार्टिंग में आर्धा गोलर को शायद लोन पे भेजा जाए कहीं पे नहीं तो अभी कितने साल का है वो अठारह अठारह हाँ। तो यही कहने वाला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एनसलोटी का जो भी डिसीजन होगा और ये जो चीज उभर के आइए ना तब आई है जब अभी सेविया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें आर्धा गोलर को वार्म अप कराया वो पूरी टी शर्ट वी शर्ट पहन ली थी उसने आने के लिए रेडी था साइड लाइन पे खड़ा हुआ था एनसलोटी के साथ और उसी टाइम पे मोड ने गोल मार दिया अच्छा जिसने भी वो मैच देखा है उनको पता होगा कि मर्डर्ड वॉज एकदम वो ए एक ए लेवल पे नहीं थे अपने तो नेचुरली जैसे ही उसने वो गोल मारा एंड hmm. सोलॉटी अच्छा, करने हैं hmm. इसलिए वो सिबायोस ले आया बाद में एंड आर दोलर वापस जाके बेंच में बैठ गया एंड इसी के चलते फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एन से पूछा गया तो उसने कहा कि किस्ट एटीन नाइनटीन ईयर्स ओल्ड ही वेरी वेल नोज वट इज द प्लान एंड अगर उसे नहीं भी पता है हैथिंग है

बट व्हाट एवर इट इज आई थिंक आर्दागुलर एंड एनसलॉटी के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं hmm. अगर हम लोग चाहते कि इस टाइम पर स्क्ॉड मैनेज करे कोई बंदा एंसलोटी इज द परफेक्ट गाय फॉर इट इतनी सारी इतने सारे बड़े प्लेयर्स को इतने सारे छोटे प्लेयर्स जो कि ईगो बड़ी रखते हैं इस टाइम पर जो कि बहुत पोटेंशियल रखते हैं उन सबको साथ में मैनेज करना सबको साथ में लेके चलना hmm. सबको खुश रखना आई थिंक राइड नो इन फुटबॉल मे बी यग इन क्लॉप पेप गोडियोला एंड एंसोलोटी आई डोंट सी एनी अदर गए जो कि इस लेवल पर ऑपरेट कर सकता है तो आई थिंक अर्धगुलर का जो भी है

तो आई थिंक आरदा को लड़का बहुत कुछ सोचने का ऐसा है नहीं अगेन ही इज अ वेरी यंग गाय एंड काफ़ी प्रोमिसिंग टैलेंट है आई होप कि जो भी पोटेंशियल है उसका वो रीच करता है बट एज ऑफ नो आई थिंक किसी को भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बात पर हाँ इस पर रिएक्शन होने की जरूरत नहीं है बट जो जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर रिएक्शन होना पड़ेगा भाई आई डोंगर रियक्शन इस पर भी होना चाहिए जैसी नियत है इंसान की वो जो हिस्ट्री रही है वी न एक्सपेक्ट एनी थिंग हाँ क्या किसकी बात करें क्यों कर रहे करें जरा बताओ सो बेसिकली एम्बापे का एंड क्या इनकी मीटिंग हुई है इमानुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस का प्रेसिडेंट है मैक्रोन अब चेंज नहीं हो गया था शायद नहीं मुझे भी यही दिमाग में था बट आई थिंक मैंने बाद में चेक करा था आई थिंक एक दो महीने पहले तो वो सेम ही चीज थी चेंज नहीं हुआ वो बंदा एंड मेरे दिमाग में भी था क्योंकि आई थिंक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि एक वो सबसे यंगेस्ट

That's कितना भाई एंड भाई। भाई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अजीब साइन है ये क्योंकि एक प्रेसिडेंट जो कि एक कंट्री का सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो आदमी है वो एम्बापे के लिए जो कि भाई अभी क्या छब्बीस साल का बच्चा है बच्चा नहीं बना छब्बीस साल का आदमी है छब्बीस पच्चीस साल का आदमी है जो कि आपका अगेन जो कि आपका नेशनल टीम का कैप्टन है वो किसी और क्लब में जाने वाला है एंड उसको आप रोकने के लिए नॉट वंस बट दिस इज अ सेकंड टाइम दैट इट इज हैपनिंग जब लास्ट टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी तब भी ये पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया था hmm. उस टाइम पे भी मिले थे लोग तो भाई बड़ा बड़ा अजीब लगता है ये चीज सुन के एंड जो भी प्रेजिडेंट का दर्जा दे रखा है फ्रांस में आई थिंक बड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये तो फिर इतना हाई दर्जा तो है नहीं एक्चुअली hmm. exactly. बड़ा एक प्रेसिडेंट को क्या आके एक प्लेयर के सामने बोलना पड़ेगा कि नहीं तुम तो भाई ये क्लब मत छोड़ के जाओ hmm. अगर क्लब प्रेसिडेंट नासल खरीफी आके बोलो तो उसका तो काम है ये चीज हाँ huh? ये फ्रांस का प्रेसिडेंट आके बार बार काे बीच में लग जाता है कि भाई नहीं आप रुक जाओ पॉइंट एक्जैक्टली exactly मुझे भी यही लग रहा है कि ये तुम लोग अपनी कंट्री में रोकने के लिए तो एफर्ट्स जो डालने थे डाल दिए hmm. बट ये इमेज नॉट इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड बट इन द पोलिटिकल वर्ल्डिकल उसका बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मैं अवॉइड ही करता हूँ थोड़ा बट सुनने में तो अजीब ही लगता है वो भी अजीब लगता है कल्चर ही ऐसा है बट जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था उसमें बापे ने हार्ट मारी थी <laughs> बाद में इमानुअल मैक्रोन जो है पिच पर आया था एंड बापे भाई सब नीचे से बैठे हुए थे सैड एंड मैक्रोन ऐसे पीठ पर शबाशी दे रहा था हाथ पकड़ रहा था और बापे बस ऐसे ही बैठा हुआ है नीचे वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया का जब हुआ था उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके देखना hmm. मोदी जी आए थे सब ऐसे खड़े हुए थे रोहित शर्मा विराट कोहली वो नहीं बट लाइक अगेन आई थिंक जबरदस्ती खुश करने की कोशिश हो रही थी मुस्कराइये पूरा देश आपको देख रहा है वॉट एवर इट इज मतलब ऐसी चीज करी इंडियन साथ बट हौसला बढ़ाने की बात करी

कि वो बंदा आके ऐसे शबाशी दे रहा है बापे भाव नहीं दे रहा बिल्कुल hmm. बापे नीचे मुँह खड़ा हुआ है तो अगेन ये ये तो मैंने बस अपना साइड नोट के लिए जो भी एक्सपीरियंस था मेरा वो चीज देखने का ये मैंने बता दिया बट अगेन आई थिंक बस वो शोभा नहीं देता भाई एक प्रेसिडेंट को बट व्हाट अबाउट वॉट पर्सपेक्टिव है क्योंकि चलो प्रेसिडेंट ने तो जो करना था कर दिया बट क्या बापे इन्फ्लुएंस होगा या फिर मड्रिड को क्या अब कुछ इससे ऑफेंस लेना चाहिए आई थिंक एज ऑफ नाउ जितनी भी रिपोर्ट्स है अकॉर्डिंग टू दैट अभी भी एम्बापे ने चीज क्लियर कर दी है ऑफ को कोतार को भी अब काफी खुशी हंसते हंसते वो लोग गए जो भी हुआ उनका हुँ. वो तो बोला होगा ना दरवाजे से निकलने हाँ. से पहले के हंसो <laughs> 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 पीछे गोली है बट वॉट एवर इट इज आई थिंक एज ऑफ नाउ आई एम स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ. आने वाला है फाइनली इट सीम लाइक कि सारी पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं वो मान चुकी हैं इस चीज के बारे में एंड ये न्यूज आई थी कि वो भी हम नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे मतलब hmm. वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा नहीं कहेंगे देर नॉट मेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक एम वापस ये न्यूज आई थी hmm. तो अगेन इट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन फॉर पी एस जी की वो भाई वो भी एकदम प्लेयर के एकदम पैरों में नहीं गिर गिर पड़ रहे ah, ah, अच्छी है। तो आई थिंक स्टिल आई थिंक एज ऑफ नाउ

And, uh, I don't think he, किसी भी बारसा फैन को उसकी बात सुनकर hmm. like तो सही कही थी कि मेसी वापस आना चाहता है and trying. Hmm. तो वो तो सच <laughs> नहीं आई थिंक कुछ कुछ था ऐसा जिसमें मेसी के पापा ने पब्लिकली कॉल आउट भी किया था उस चीज को स्टोरी डाली वो था कि वो उसकी फिर वो फैमिली के ऊपर डालने लग गया था कि इसकी बीवी चाहती है बच्चे चाहते हैं कि हम यहाँ रुकना है रो रहे है, रहे हैं हैं ड्रामा कर तो वो सब तभी तो मतलब वट एवर इट इज आई थिंक जो भी उसने चीज बोली फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल आप ऐसे किसी की फैमिली के बारे में बात कर रहे हो वो आपको करनी भी नहीं चाहिए एंड सेकंडली आई थिंक वो मेसी वाली जो न्यूज थी वो फेब्रीजो ऑल्सो रिपोर्टेड तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेल नोन फैक्ट आई मतलब वो तो फेबीजो रिपोर्ट करने से पहले हमें पी में देख के लग रहा था यार <laughs> ये तो बार्स आना चाहता है ट्रू हाँ, तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेल नोन फैट एंड सब जितने भी मेसी फैंस हैं जितने भी लोग मेसी को देख रहे थे एवरीबडी वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैट कीम टू कम बार्स होना वो चीज दिख रही थी hmm. ऐसा नहीं था कि बहुत कॉन्क्रीट न्यूज हमें चाहिए वो चीज़ right. करने के लिए तो मतलब कांट गिव हिम मच क्रेडिट फॉर दैट बट आई थिंक वट एवर ही पास्ट फ्यू मंथ्स आई इन माई ओपिनियन ही हैज लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ हिस क्रेडिबिलिटी

वेरी गुड स्टेप फ्रॉम बी सी सी आई स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट जो स्टार जो मेन हमारे टॉकिंग पॉइंट्स होने वाले हैं जो कि श्रेय सैयद और ईशान किशन है जब उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया इस बार तो आई थिंक माई इट साउंड से डिस्टेक्ट या जो भी आप कह लो बट आई वॉज हैप्पी कि बी सी सी आई ने डिसीजन लिया एंड ये डिसीजन क्यों लिया ना जब ये कॉन्ट्रैक्ट

बट मतलब कुछ ओडियास का भी होता है कि आठ ओडिया खेलने होते हैं कुछ ऐसा हाँ तो हाँ उसने हाँ वर्ल्ड वो कप के टाइम में खेल ही लिया था हाँ तो दे वर एलिजिबल टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट्स बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला हाँ तो ये एक्सप्लेनेशन इसमें दो ही हो सकती है कि मे बी यू डिड नॉट परफॉर्म एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बीसीसीआई या फिर आपने एलिजिबल ही नहीं थे राइट right. तो बीसीसीआई बीसी दोनों डिसरिगार्ड हाँ। उन्होंने साफ साफ कि हमने कंसिडर ही नहीं करें इनको क्यों नहीं करा पे तो इट इज क्लियर बिकॉज दे डिसरिस्पेक्टेड द बाय एंड एंड देव गाय सोशल मीडिया पर देखें तो ईशान किशन को लेकर तो चलो इतनी बात नहीं हो रही स्पेसिफिकली पीपल आर वेरी मैड अबाउट दिस की अयर को क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला लाएगा बहुत हिपोक्रिटिकल लगा भाई एंड इज पॉइंटिंग टू ओनली वन फैट कि भाई एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन वर्ल्ड कप में 500 प्लस रन मारना बेस्ट परफॉर्मेंस देना कितने भी रन मार लो इफ यू डोंट रिस्पेक्ट बी जो वो डिसीजन लेने वाले हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा जो आपको हायर करेगा जिसके आप एम्प्लॉई हो हुँ. अगर आप अपने एम्प्लॉयर के ही डिसीजंस नहीं मानोगे वेन इट इज इट हैज बीन क्लियरली लेड आउट इससे पहले तक ये चीज क्लियरली नहीं बोली गई थी कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी hmm. आप आईपीएल को नहीं दे सकते देन मे बी अगर लोग सोचते कि नहीं हम आईपीएल खेल लेंगे देन हम हो जाएंगे दैट इज सेड लाइक जो जब ये चीज़ अनाउंस करी थी ने तब मैंने बोला था कि इस चीज़ को अब बीसीआई को स्टेप लेना hmm. कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होती है लोग अगर इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा एक्टली वही करा एक्टली वही बीसीसीआई ने करा एंड दैट इज आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डिसीजन एंड अ वेरी फर्म डिसीजन ऐसे सुपर को कॉन्ट्रेक्ट से हटाना ना कॉन्ट्रैक्ट देना, वेरी बिग स्टेप एंड इट इज राइट स्टेप इन द राइट एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा था कि अभी ये ये लोग 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 जो लोग IPL में फिट हो हो जाएंगे, ये लोग रंजी के मैचेस नहीं खेल सकते। हाँ. उनको तुम कैसे कर रहे कॉन्ट्रैक्ट दें? And यहाँ पे ना हार्दिक पांडे का सकता हूँ तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज इंजर्ड एंड ही वॉज रेगुलरली

आई थिंक जो भी करा है ने एकदम सही करा है एंड हार्दिक पांड्या का अगेन आई विल से कि जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है इट इज़ बिकॉज कि वो इंजर्ड रहा है इतना टाइम से एंड अगेन जो भी इस टाइम पे हिट चल रही है kind of hmm. right हार्दिक पांड्या का अगेंस्ट दट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गोइंग अगेंस्ट हिम राइट नाउ बट आई थिंक हार्दिक पांड्या को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते एंड hmm. ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि उसने रीअशोर करा बी को कि मैं जो हूँ जब भी इंटरनेशनल मैचेज नहीं होंगे मेरे तो मैं रेगुलरली ऐसे टी ट्वेंटी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट करूंगा दूसरा पॉइंट यही है दूसरा पॉइंट क्या है ने और किशन को क्यों हटाया बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से, Because these guys have shown the intention से खुद कि भाई मुझे टेस्ट, हाँ. टेस्ट, तो टेस्ट डोमेस्टिक में भी खेलना पड़ेगा हाँ. exactly hmm. कि भाई अगर आपको टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट करना है इंडिया पे तो जाके रणजी के मैचेस खेल के हो. Hmm.

वो मार्च ट्वेंटी तक हील कर लोगे एंड हाँ. सीधा आईपीएल में तुम मेंटली फिट हो जाओगे एंड जब कोई बंदा ये हरकत करता ना तो फिर अगर सच में भी इट इज फेक और मेंटल इट इज सच सब्जेक्टिव थिंग तुम डिफाइन भी नहीं कर सकते एग्जैक्टली exactly में क्या इशू है फैक्ट यू आर नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम दैट इज ऑल्सो एन इशू बट क्या वो सर्टिफाइड क्लिनिकल है कब बनेगा किस पॉइंट ईशान किशन के साथ रिपोर्ट ही नहीं करी अपनी उसने बोल कि गायब। गायब। हम लोग पांड्या का बोले तो रिपोर्टिंग मेरे साथ क्या चल रहा है <coughs> श्री शेर ने झूठ बोल दिया एंड ईशान किशन ने कुछ रिपोर्ट ही नहीं करा तो अगेन मैं यही एग्जाम्पल दूंगा कि अ गाय लाइक विराट कोहली अगर वो भी टेस्ट मैच से चलो जो लीव ले रहा है बट उसका भी हर बार आ ही रहा है कुछ ना अच्छा, कुछ अच्छा अब ये हो गया इसलिए अब लीव ले, ले, ले रखी है मैंने वट एवर वो रेगुलरली कुछ ना कुछ कॉमेंट आ रहा है उसकी तरफ से भी कि अच्छा इस रीजन से अब बाहर है अब ये रीजन है देखो मैं मैंने पहले भी ये कहा कि विराट कोहली को थोड़ी लिवरेज तो मिली है नहीं मिली है ऑब्वियसली इन द सेंस अगर कि कोई और होता जगह पे तो उसको ये नहीं नहीं इन द सेंस आई थिंक इन द सेंस कि उसे वापस टीम में तुरंत ले लिया जाए एंड उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अप्लाई नहीं अपलाई नहीं होगी बट आई थिंक आई एम जस्ट पॉइंटिंग द कि

रिक्वेस्ट करने में और गायब और झूठ बोलने में कितना फर्क है सो ऑफ कोर्स वैसे भी विराट कोहली से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते मैं एक एक बड़ा इजी एग्जांपल देता हूँ सचिन तेंदुलकर हाँ। अपना लास्ट टेस्ट मैच खेलने से पहले इन द लास्ट लास्ट इन द वन ईयर आई थिंक ही प्लेड जस्ट टेस्ट मैचेस लिया था अपनी हंड्रेड मारने के बाद तो तब वो सब टेस्ट मैचेस खेला करता था एंड बिफोर प्लेइंग फाइनल टेस्ट मैच या फिर फाइनल जो सीरीज थी टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसमें एक रणजी ट्रॉफी जाके मुंबई के साथ खेली थी ओके एंड पे भी दो एक दो सौ मारी थी लगातार तो अ गाय ऑफ दैट जो कि अपने करियर के लास्ट सीरीज में जा ही नॉट हैव टू प्ले अ रणजी गेम भाई ही हैज एवरी थिंग पहली बात तो वो नहीं भी खेलेगा रणजी ट्रॉफी तो भी किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और कोई सवाल भी नहीं उठा सकता पहला नाम होगा टीम शीट पे मतलब बीसीसीआई भी सवाल नहीं उठा सकता वो उस लेवल का फिगर है सेकेंडली अगर आप उस लेवल का फिगर नहीं भी हो बट अगर आप अपनी फेयरवेल सीरीज खेलने वाले हो तो बी से भी स्लैक कट ऑफ कर देगी कि चलो ठीक हाँ। है अब एक सीरीज की तो बात है अब क्या मैं इसके ऊपर सैक्शन लगाऊं डिस्पाइट बोथ द रीजन अगर वो खुद जाके इंसान रंजी ट्रॉफी खेल रहा है तो भाई क्वाइट फ्रेंकली नो बडी एल्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट हैज़ एनी एक्सक्यूज टू नॉट रिप्रेजेंट

उसके लिए अगर ये चीज अब एक बीसी ने फॉर्मली ये चीज बोल दिया इतना इतना अब आप उस चीज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो exactly. कि नहीं भाई तुमने अब क्यों कर दिया ये चीज आईपीएल को क्यों नहीं करने दे रहे तो आई थिंक अगर बीसीसीआई ही एक्ट नहीं करेगी तो बड़ा दोगलापन हो जाएगा एंड आई थिंक यहाँ पे दोगलापन जो है वो फैंस की तरफ से दिख गया है जो भी ये लोग बोल रहे कि शे सर को देना चाहिए था ही एटलीस्ट डिजर्व कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द काइंड काफ मुझे लगता नहीं कि वो फैंस हैं हो सकता है हो सकता है राइट right. या तो वो सिर्फ शेर द पर्सन के फैंस है, क्रिकेट के फैंस नहीं है या फिर वो वो लाइन की तो hmm. right. uh, मेरा हमेशा से ऐसा मानना है hmm. जो होता है ना कि जब किसी एक इंसान के साथ बुरा हो रहा होता है या फिर वो पकड़ा जाता है कोई गलत काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा वो क्यों पकड़ा नहीं गया था तो ये क्यों पकड़ा गया है तो इसको भी मत पकड़ो इसको पनिशमेंट मत दो तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इजी विक्टिम माइंड सेट टू से कि यार मेरे को मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुमने उसके साथ तो नहीं करा जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो सही है ही तो क्योंकि तुमने गलत काम करा था तुम ये कहो कि उसके साथ भी करो ये मत कहो कि उसके साथ नहीं हो तो मेरे साथ क्यों हो रहा है hmm. ये कहो कि मेरे साथ हुआ तो उसके साथ भी करो राइट right. वो फ्रेमिंग अलग होनी चाहिए hmm. तो जो लोग कह रहे हैं कि यार अय्यर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि पांडे के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था और भी दो तीन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ था ये कहो कि के साथ जो हो रहा है सही है एंड सो मे बी उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए हाँ, ये मत कहो कि एक आदमी को गलत काम करने के लिए छुटकारा मिल गया तो दूसरे का आदमी को भी गलत काम करने हाँ, दोनों टॉपिक नोट टू गिव एन एंड टू दिस पॉडकास्ट जैसे सुनील गावस्कर ने कुछ रिमार्क्स दिए <laughs> विराट कोहली के ऊपर क्या दिया नहीं, नहीं पता नहीं भाई मतलब ये भी मुझे बेसिकली गवास्कर से पूछा गया था गवास्कर आई थिंक अभी किसी आई एम में ही वॉज देयर स्टूडेंट से बात कर रहे थे एंड उनसे मतलब वो हॉल में बैठे होंगे वहाँ पे उनसे बोलते हैं कि भाई आ, आपको क्या लगता है क्या विराट कोहली अपना कम बैक आईपीएल आई पी एल में कर पाएंगे hmm. तो गवास्कर ने बहुत ही चीखी होकर एक ऐसे <laughs> पैसिव सर में एक लाइन बोल दी कि uh, देखिए अभी वो uh, इंडिया की तरफ से भी नहीं खेल पा रहे एक दो महीने से कुछ रीज़न uh, है उनका तो क्या पता शायद आईपीएल में भी ना अवेलेबल हो पाए तो देखना पड़ेगा कुछ पक्का नहीं है राइट एंड समथिंग ऑन दैट सेम लाइंस एक और चीज बोली थी वो मतलब दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच बट वो थोड़ा वो सरकेस्टिक स्माइल के साथ वो जो बोला था इट वाज वेरी क्लियर कि ही इज टेकिंग शॉर्ट्स एट द फैट कि इंडिया से दो महीने से अवेलेबल नहीं हो रहा कोई जेनविन रीजन है, so, right. है तो शायद आई में भी अवेलेबल ना हो राइट स आई थिंक इट इजेसरी एंड गवास्कर को कहने की जरूरत नहीं है भाई मतलब आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज स्टेटमेंट्स पीपल अंडर द्वेंटी फाइव या और छोटे आई थिंक ट्वेंटी फाइव तो काफी हो गया भाई <laughs>

अगर आप हम लोग कितनी बात करते हैं जैसे वेन यू से युवर, hmm. uh, hmm. hmm. like, hmm. चक्कर में ये फैंस में जो डिवाइड होता है ना hmm. और जो फिर उल्टी खिचड़ी बनती है उस चीज की hmm. कि भाई उसने तो ऐसा कह दिया

अगेन आई थिंक जो भी कायदे से, उनका राइट है बोलने का बट आई जस्ट थिंक अगर वो लोग नहीं बोलेंगे इस चीज को तो शायद थोड़ी नहीं थी एंड अगेन दिस विल जैसे फायर अजीब होगा पता नहीं भाई, बोल है कुछ स्टेटमेंट्स गवास कर ली जाती है एंड फिर कभी कुछ होते हैं मतलब तो नहीं बोलूंगा। course, way, <laughs> uh, like imply, think, अगर सिर्फ इस सीजन की बात कर रहे हैं तो ही इज राइट ऑब्वियसली विराट कोहली आईपीएल हंड्रेड परसेंट खेलेगा एंड <laughs> अब तो वैसे अब खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि अब तो बॉर्न भी हो चुका है mm -hmm. चाइल्ड तो कोई सेंस है भी नहीं अब मिस करने का बट वही बात है कि फिफ्ट टेस्ट मैच भी मैं सो रहा हूँ अभी बट स्टिल आई थिंक आईपीएल तो खेलेगा ही खेलेगा लेकिन इफ ईज टू कि इस सीजन इस अभी जितना भी खेला है इंडिया की तरफ से दिस थिंग इज हैपनिंग राइट देन ऑब्वियसली ट्रू इट्स ट्रू कि यह चीज हो रही है बट आई डोंट थिंक दैट अब विराट कोहली के बारे में ये चीज़ इतनी ओपनली आके पब्लिकली ऐसे बोल सकते हो right. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू बिग अ फिगर एंड हीन

आर सी यू इन जून वैसे क्या जून क्या भाई अब ये रील्स में तो सब देखेंगे ही देखेंगे बट भाई अगेन जो भी ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली है बट वाट एवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डिस्कस अबाउट दिस चैनल आई होप आप सबको वो चीज़ क्लियरली पता चल गई हो एंड कोई डाउट भी हो तो भाई आप लोग कॉमेंट में बोल दोगे तो हम लोग रिप्लाई कर देंगे उस चीज़ का तो उसके बारे में तो कोई टेंशन नहीं है बट अगेन भाई आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल यू गैट्स टू कीप सपोर्टिंग अस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहाँ जहाँ पे हम लोग कॉन्टेंट डाल रहे हैं वी आई रिक्वेस्ट कि आप लोग हम सबको वहाँ पे सपोर्ट करते रहें एंड जो जो भी हमने नए चैनल बताए हैं पहले तो स्पॉटिफाई पे जाके आप हमें देख लो एंड जो क्लिप्स का चैनल हमने बोला है आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दो एंड वहाँ पे भी, भी लाइकन दबा देना एंड आई होप क्या यू गैस कीप सपोर्टिंग अस भाई तो आई थिंक ऑन दैट नोट वील नॉट अटैच एनी अदर पॉडकास्ट टूडे इसी नोट पर खत्म करते हैं बाकी अब अगले पॉडकास्ट से मैं दिखा करूंगा राइट right. तो वील सी हाउ इट गोस भाई एक नए तरीके से बात करेंगे एक नए फॉर्मेट में सो सी ऑल वेरी सुन